हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर विद स्माइल्स। तो आज हम आए हैं नवी मुंबई के सीबीडी बिलापुर में, जहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईटी हब्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसीलिए यहां पर ढेर सारे लोगों का आना जाना रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा स्टे जो कि सीबीडी बिलापुर के सारे मेन स्पॉट से नज़दीक हो और साथ ही में लग्जरियस और बजट फ्रेंडली भी हो, तो यस, आज हम आए हैं होटल ग्रैंड 51। इनका कॉमन पार्किंग एरिया है लेकिन कंपाउंड के अंदर है, इसलिए सेफ है। तो चलो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट टूर करते हैं। ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया और इसी से लग के इनका स्पेशियस बैंक्वेट हॉल भी है, जहां आप आपके पार्टीज, कॉर्पोरेट मीटिंग्स या वेडिंग इवेंट्स कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इनका एलाइट रूम बुक किया था, तो लेट्स एक्सप्लोर द रूम। तो फ्रेंड्स, एंट्री करते ही यहाँ पर राइट साइड में इनका वॉशरूम है और यहाँ पर मिरर नहीं, पूरी की पूरी मिरर की वॉल ही है। मुझे बिग साइज मिरर बहुत पसंद है और उसी के जस्ट एग्जैक्ट सामने यहाँ पर एक बिग साइज कबर्ड दिया है इन्होंने, और जहाँ पर कबर्ड को खोलते ही एक एलईडी लाइट भी ऑन हो जाती है। और यहाँ पर है इनका डिजिटल लॉकर, और इस कैटेगरी के रूम में आपको एक मिनी फ्रिज दिया है इन्होंने, जहाँ पर आप आपकी बीवरेजेस रख सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर एक सेक्शन में इन्होंने इलेक्ट्रिक केटल दिया है, टी बैग्स है। तो फाइनली इट्स टाइम टू शो द रूम। फ्रेंड्स, इनका इंटीरियर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इन्होंने ग्रे और वुडन कॉम्बिनेशन में थीम रखी है, जिससे बहुत ही सिंपलिस्टिक फील आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडबोर्ड काफी बड़ा दिया है इन्होंने और बैक लाइटिंग प्रोवाइड किया है। बेड के दोनों साइड में स्कॉन्सेस दिए हैं इन्होंने और एक टेलीफोन है। आप देख सकते हैं रूम काफी स्पेशियस है और यहाँ पर इन्होंने सामने टीवी दिया है और ये सेंट्रलाइज एसी है। ये वुडन फ्लोरिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और आज तक मैंने किसी भी होटल में एक डेडिकेटेड वर्किंग डेस्क नहीं देखा है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। और एक हैंगिंग एम्बिएंट लाइट भी है जो इस एरिया को बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। और अगर आपको यहाँ पर रिलैक्स बैठ के बुक्स वगैरह रीड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर में रिलैक्सिंग चेयर दिया है और उसी के पीछे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कैनवस पेंटिंग है। अभी तक के वीडियो से आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि रूम कितनी बड़ी है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्पेस का काफी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने। और यहीं पर इनका रूम खत्म नहीं होता है, यहाँ पर इन्होंने एक प्राइवेट सिट आउट एरिया भी दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लोनावला का मेरिटस क्रिस्टल का व्लॉग देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको एक सिट आउट एरिया दिखाया था, उसी टाइप में यहाँ पर इन्होंने रूम से लेके एक छोटा सा मिनी टेरेस बोल सकते हैं प्रोवाइड किया है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लोनावला का होटल सफायर का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने एक सेम कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था। रूम और बाथरूम के बीच में एक टफन ग्लास इन्होंने दिया है, पर ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। तो अभी चलिए मैं बाथरूम से आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। और ये है इनका स्पेशियस बाथरूम। तो बाथरूम में एंट्री करते ही आपको एक बिग मिरर दिया है यहाँ पर, और ये है ड्रायर दिया है, और यहाँ पर है डेंटल किट, और ये वेस्टर्न कमोड दिया है। यहाँ पर है शार एरिया जो कि काफी स्पेशियस है। और ये है इनका स्पेशियस स्वीट रूम। सो फ्रेंड्स, ग्रैंड 51 से अटैच्ड इनका डेडिकेटेड रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नॉर्दर्न स्पाइसेस। तो कैसा लगा आपको ग्रैंड 51 का रिव्यू?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।